वंदे मातरम साथियों, वेलकम टू एग्जाम वर्ल्ड। और आज का वीडियो होने वाला बहुत खास, क्योंकि इसमें हम चर्चा करेंगे एनडीए सीडीएस एफकैट टेक्निकल एंट्री स्कीम के बारे में। उसके अलावा बात करेंगे टीए यानी कि टेरिटोरियल आर्मी की। उसके अलावा आप अगर कैसे प्रोफेसर बन सकते हैं डिफेंस अकेडमीज में आफ्टर द पोस्ट ग्रेजुएशन, उस पर बात करेंगे। इतने सारे ऑप्शंस बताएंगे कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। और अगला जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वो होगा कि आपकी टेंथ के बाद माइंडसेट जो है वो कैसा होना चाहिए। अगर आप एक डिफेंस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप एनडीए जाना चाहते हैं, इफ यू आर अ गर्ल और बॉय डजंट मैटर, दोनों के लिए एंट्री स्टार्ट हो चुकी है। ऑल बॉयज के लिए पहले से थी, गर्ल्स के लिए एंट्री स्टार्ट हो चुकी है एनडीए में। रिसेंटली आपको पता है कि एनडीए में एयरफोर्स में रिकमेंड हुई है शानिया मिर्जा, यूपी के मिर्जापुर से आती है। पहली मुस्लिम फाइटर वुमन बनेंगी इंडिया की जब उनका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एयरफोर्स एकेडमी का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा। आपको पता होगा जैसे भारत की पहली महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी एमपी से आती हैं, जो कि पहली महिला फाइटर पायलट थी। चलिए उस पर बात करेंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारी बातें होंगी, बातों के जो आपके सवाल हैं उनके जवाब देने के लिए हमारे साथ गेस्ट आ चुके हैं और गेस्ट का मेंटर है आपके, क्योंकि एग्जाम लॉन्च करने जा रहा है सेपरेट प्लेटफॉर्म फॉर डिफेंस एग्जाम्स, जहां पे आपको मिलेंगे टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एनडीए एग्जाम, रिलेटेड टू सीडीएस एग्जाम पैटर्न्स, ऑल्दो रिलेटेड टू एसएसबी। हमारा ये एक थॉट है कि जो स्टूडेंट कोचिंग सेंटर्स तक नहीं पहुंच पाते हैं, लाखों फीस नहीं खर्च कर पाते हैं, उनको हम हेल्प कर पाए, वो जान पाए, पहुंच पाए एनडीए सीडीएस ओटीए, जहां भी रास्ता खुलता है उनके लिए वहां तक वो जा पाए। हमारी कोशिश आपको कैसी लगेगी ये बताइएगा, लेकिन उससे पहले चर्चा करते हैं आज के इस पूरे सेशन पे। जैसा आप जानते हैं, इस देश में सेना में शामिल होना एक इमोशन से कम नहीं होता है। सेना को एक जॉब ना कहा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि वो जॉब है ही नहीं। एक गांव में सैनिक बनने से लेके एक अधिकारी बनना, दोनों ही एक सेम टाइप का इमोशन होता है। दोनों को एक वर्दी से प्यार होता है, देश की रक्षा में मर मिट जाने की ताकत होती है, एक हिम्मत रखते हैं वो लोग, कोशिश करते हैं कि हम वहां पहुंच जाएं, देश की रक्षा में अपना भी थोड़ा सा हिस्सा दे पाएं। मैं मानता हूं हर कोई नहीं पहुंच पाता, क्योंकि देखिए हर किसी की किस्मत में देश सेवा भी लिखी हुई, जरूरी तो नहीं है। आज के इस टॉक में, आज के इस चलते चलते के सेकंड एपिसोड में हमारे साथ है मिस्टर शेखर। शेखर पोस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम इंडिया प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसका मैं भी छात्र हूं और ये भी छात्र रहे हैं। दूसरी चीज, इन्होंने आज तक काफी सारे एसएसबी दिए हैं, इनको काफी एक्सपीरियंस है। एनडीए नहीं दिया है इन्होंने, बाकी एनसीसी के बेस पे वो सारे एसएसबी दिए हैं, एयरफोर्स के एसएसबी दिए हैं, उन पे हम बात करेंगे। उसके अलावा बताएंगे आपको कि आपको अगर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो आपका थॉट प्रोसेस टेंथ में क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद क्या होना चाहिए, और अगर ग्रेजुएशन के बाद की एंट्रीज पे भी सिलेक्शन नहीं होता है, देन आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कौन से ऑप्शंस आपको चुनने होंगे। आपको ऐसे एग्जांपल्स आपके सामने रखेंगे कि जिन लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करके भी खुद को ऑफिसर बनाया है, आज वो देश की सेवा में है। आने वाले दिनों में इसी प्लेटफॉर्म पे आपको हम सामने आपके मिलवाएंगे बहुत सारे ऐसे कैडेट से जो ट्रेनिंग कर रहे हैं एनडीए में, या फिर ऐसे ऑफिसर्स जो ऑलरेडी कमीशन ले चुके हैं यानी कि ऑफिसर बन चुके हैं। बने रहिएगा एग्जाम वर्ल्ड के साथ। पहली बार अगर प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो। चलिए सबसे पहले वेलकम मिस्टर शेखर ऑन एग्जाम वर्ल्ड। थैंक यू मनदीप जी, मेरे को यहाँ पर बुलाया आपने। शेखर के बारे में मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया, बाकी शेखर खुद बताएंगे अपने बारे में, लेकिन उससे पहले शेखर एक सवाल है जी, और वो सवाल ये है कि आज तक कितने एसएसबी दे चुके हो? मैंने अभी तक 6 एसएसबी दिए और 2 एफएसबी देखे हैं। ऐसे कितने एसएसबी रहे जिसमें स्क्रीनिंग में कभी ऐसा हुआ कि स्क्रीनिंग में आना पड़ा हो? बहुत दुख होता भाई, मुझे तो हुआ था। 2 बार मैं स्क्रीन आउट हुआ हूँ, गांधीनगर से और आपके भोपाल से। तो शेखर का, जैसे मैंने आपको बताया एसएसबी, इन्होंने बताया कि टोटल 6 एसएसबी दिए हैं, जिसमें और 2 जो है एयरफोर्स से रिलेटेड रहे हैं। एसएसबी एक वो अलग लेवल का एक्सपीरियंस होता है जो शायद आप यूपीएससी के एंट्री को देके भी नहीं सीखते हैं। 5 दिन की जर्नी होती है अगर आप स्क्रीनिंग में इन हो गए तो, स्क्रीनिंग में आउट हो गए तो फिर बात ही खत्म हो जाती है।
हम सीधा एसएसबी पे नहीं जाएंगे शेखर, मेरा सीधा सवाल ये है, आने वाले दिनों में आप इस प्लेटफॉर्म पे लोगों को आपकी मेंटरशिप में लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, आप उनसे बहुत कुछ सीखेंगे, आपके भी आने वाले एसएसबीज हैं बहुत सारे, बट मेरा एक सवाल है, वो ये है कि आपके मन में ये थॉट कब आया कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है बट एज ए ऑफिसर? मेरे दिमाग में ये इंस्पिरेशन बेसिकली स्पार्क कब हुआ, एनलाइट, कि जब मैं एनसीसी ज्वाइन करी, और एनसीसी ज्वाइन इसलिए नहीं करी कि मेरे को आर्मी में जाना था। जब मैं बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स कर रहा था दार्जिलिंग में, तो फॉर्चुनेटली मेरे को दो तीन ऑफिसर से इंटरेक्शन करने का मौका तो मिला। मतलब आप माउंटेनर भी हो हाँ जी, मैं माउंटेनियर भी और हूँ। ट्रेंड माउंटेनर? हाँ जी, तो ओके जब मैं बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स कर रहा था, तो मैं इंटरेक्शन हुई काफ़ी सारे आर्मी ऑफिसर से। तो जो उनकी यूनिफॉर्म थी, जो उनकी पर्सनैलिटी थी, जो उनका एटीट्यूड था, जो उनका फिजिक्स था, तो वो बहुत बढ़िया लेवल का था। उससे देखकर जो रिस्पेक्ट उन्हें हर जगह सोसाइटी में मिल रही थी, तो वहाँ से मेरी इंस्पिरेशन जागृत हुई कि ज्वाइन करना है मेरे को डिफेंस फोर्सेस। ओके सो डिफेंस फोर्सेस जब आपके मन में आया, एनसीसी लिया, इन्होंने माउंटेनिंग के लिए गए, ट्रेंड माउंटेनर भी हैं, एक इंसान में कितनी खूबियां हो सकती हैं ये पूछा जाए उस इंसान से जिसने खूबियों को अपने अंदर हो बसाया। लाइक थिंक एवरीवन कैन डू द सेम थिंग्स इफ यू वांट, बिकॉज इन सिंगल लाइफ आप महान बन सकते हो और आप ये भी कर सकते हो कि आप महान ना बने, डिपेंड करता है कि आपके एफर्ट्स कितने हैं। सो शेखर, माई सेकेंड क्वेश्चन रिलेटेड टू एग्जाम, स्पेशली इफ अ स्टूडेंट इन 10th स्टैंडर्ड एंड ही और शी स्टार्ट इन थिंकिंग कि मुझे डिफेंस ज्वाइन करना है, मैं मानता हूँ कि एनडीए में अगर आपको आना है तो मैथ्स ऑफकोर्स होना चाहिए, लेकिन इट्स नॉट मैंडेटरी, बट होना चाहिए क्योंकि पहला पेपर मैथ्स का है, तो इंटीग्रेशन में और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, जितने भी मैथ्स 11th 12th का होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, लाइक पास करना होता है आपको, अराउंड 40 से 50 क्वेश्चन के बीच में आपके ठीक है तो मोस्टली हो जाते हैं सिलेक्शन। बट द क्वेश्चन इज कि अगर मैं 11th क्लास में हूं, मुझे एक ऑफिसर बनना है, आई एम मेल और मेल फीमेल डजेंट मैटर, बट द क्वेश्चन इज कि मुझे क्या अलग सोचना होगा कि मैं एनडीए अगर देने जा रहा हूं तो टोटल मैक्सिमम 800 सीटें होती हैं साल भर में, उन 800 के अंदर आप आओ, सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखना है बताइए। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली चीज़ है, सबसे पहले आपका क्लियरिटी ऑफ थॉट, मोटिवेशन टू ज्वाइन आर्म फोर्सेस, और अवेयरनेस। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात कही शेखर ने कि मोटिवेशन, गोल क्लियर होना चाहिए, बिकॉज एक चीज बहुत क्लियर डाल लीजिए अपने दिमाग में, सपने पापा और मम्मी के कहने से निर्धारित नहीं होते, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, ये टोटली आप पे निर्भर करता है कि पापा ने कह दिया बेटा आईआईटी में हो जाए तो देख लेना, अगर एनडीए हो जाए तो भी देख लेना, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड करो आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है। दूसरी चीज आप अपने दिमाग में रखें वो ये रखना है आपको, किसी के कहने से सपने निर्धारित नहीं करना है, आपके दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फादर, मदर, बुआ फूफा, कौन क्या बोला है डजंट मैटर, आपका दिल और दिमाग क्या कह रहा है उस पर जाइए सीधे। तो सिंपल है, पहला स्टेप है आपका गोल क्लियर है कि आपको एनडीए ज्वाइन करना है, आपको ऑफिसर बनना है, या आपको बीटेक जो एंट्री होती है यानी कि 12th के आपके पीसीएम के परसेंटेज के बेस पे आप डायरेक्ट एंट्री पे जाते हो और अराउंड 75% पे आई थिंक एसएसबी आ जाता है, ठीक है, और मोस्टली जिन लोगों का एनडीए और टेक्निकल दोनों में होता है वो मोस्टली एनडीए ज्वाइन करते हैं, क्योंकि टेक्निकल में ये माना जाता है बीटेक में कि आपको इंजीनियरिंग के अलावा और कुछ नया करने को नहीं मिलता है, यानी आप फ्रंट लाइन जो फोर्स होती है उसमें मोस्टली नहीं रहते हो आप पुल बनाने का काम करने में हेल्प कर रहे हैं, जो आपकी इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो काम है, बट द थिंग इज कि आपको एज ऑफिसर गन लेके चलाने का उतना मौका नहीं मिलेगा जितना कि एनडी ऑफिसर को मिलता है, am I right? हाँ, स्लाइटली मतलब राइट। हाँ उतना मौका नहीं मिलता हाँ है, ठीक है, तो मैंने कहा ना फ्रंट लाइन, मैंने इसीलिए यूज किया कि ये जो हमारे ऑफिसर्स खड़े हैं ऑफकोर्स फ्रंट लाइन ऑफिसर्स, जरूरी नहीं ठीक है, है मंदीप जी, मैं इसमें दो तीन चीजें ऐड करना चाहूंगा। नहीं वैसे तो हर आदमी सैनिक होता है। हाँ, वो बात आपकी ठीक है। आर्म्स जो होती हैं, आर्म्स बेसिकली तीन चीजों में डिवाइड है, तीन सर्विसेज में। पहला इन्फेंट्री, जो कॉम्बैट रोल्स निभाते हैं। एक सपोर्टिंग इन्फेंट्री, मतलब इन्फेंट्री के अंदर एक सपोर्टिंग कॉम्बैट आर्म्स होती हैं। तो कॉम्बैट आर्म्स में इन्फेंट्री आ जाती है आपकी, ठीक है, और एक सर्विस आर्म्स होती हैं। तो सर्विस आर्म्स के अंदर आपकी जो टेक एंट्री है वो सर्विस आर्म के अंदर आती है, जो कि लॉजिस्टिक प्रोवाइड करती है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करती है। और अगर आप आपने बोला कि नहीं, फ्रंट फाइल रहनी है। मैंने ये कहा कि बहुत सारे मेरे जूनियर्स हैं जिनका दोनों में हुआ था, बट आफ्टर दैट दे ज्वाइन एनडीए बिकॉज उनका खुद का, उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वो टेक में चले जाएं,
उनको ये था कि चलो कम लड़ना पड़ेगा, लेकिन उनका ये हाँ था कि भाई अपन को पैरा में जाना है। जैसे सिंपल लाइक फ्रंट में जितना काम करने का जो एक होता है रिस्क लेने का जो एक्सपीरियंस इधर मिलता है उतना शायद उन्हें वहां नहीं मिलता है, मेरा कहने का मतलब ये। आई थिंक लड़ाई सबकी बराबर वो तो बराबर है देखो यार, है। क्योंकि हर किसी का रोल बराबर है कि इस दुनिया में एक होता कहा जाता है कि खाना बनाने वाले से लेके खाना खाने वाले का सबका एक अलग रोल है, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। बात वही आती है, दुनिया के हर फील्ड में चले जाइए। मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे जो है, मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए नोट किए हैं स्पेशली। पहला क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा लाइक आपको हंसाएगा सबको, वो ये है कि आज तक का SSB में सबसे लाइक मजेदार क्वेश्चन क्या था? मैं 17 SSB बैंगलोर में था, मेरे को याद है वो, अभी 2021 में ही मैंने दिया था। तो वहाँ पर एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे, तो ही आस्क मी कि शेखर ओके टेल मी हाउ मेनी गर्लफ्रेंड्स यू हैव। तो आई ओके सेड कि सर आई हैव मैनी गर्लफ्रेंड्स। सो ही वॉज इन अ शॉक्ड कि ओके ही इज गाय और हैविंग अ मैनी गर्लफ्रेंड्स। तो आई आई सेड कि सर आई हैव गर्लफ्रेंड्स हु आर गर्ल सर। एक्चुअली इट्स टोटली डिपेंड ऑन माइंडसेट, द पॉजिटिविटी और माइंडसेट। बिकॉज SSB में होता क्या है कि आपका माइंडसेट चेक किया जाता है कि आप कितने पॉजिटिव है, बिकॉज फाइनली योर लीडर, आप जब लीड कर रहे होते हैं अपने किसी ऑपरेशन में तो डेफिनेटली आपके डिसीजंस बहुत पॉजिटिव डिसीजंस जो होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं। आप अपनी टीम को कैसे हैंडल कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं जो हम सोसाइटी में देखते हैं उनके रियल मीनिंग वो नहीं होते हैं, ठीक है। लाइक मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे इंग्लिश में ऐसे मीनिंग है जिनको हमारी सोसाइटी अपने मुंह से बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर उनके रियल मीनिंग देखोगे तो लाइक वेरी कॉमन, वेरी कॉमन। वो हम JNU से जब घर जाते हैं तो बोलते तो मतलब पीट दें घर वाले, लेकिन सच्चाई है कि उनके रियल मीनिंग नहीं पता लोगों को, फिल्मों में देख लिया है उसी को मान लिया है कि यही सच है। चलिए खैर अगले सवाल पे आते हैं। मेरा जो अगला क्वेश्चन है आपसे वो क्वेश्चन ये है कि मुझे आपने हमने बात की कि 12th के बाद NDA में आते हैं फिर हम टेक में जा सकते हैं, अब मैं आता हूं NDA और टेक दोनों में नहीं हुआ, हाँ जी, इसके बाद क्या एंट्री स्कीम्स है टेल मी। आप इसके बाद की सारी बता दीजिए, ग्रेजुएशन के बाद प्रोफेसर कैसे बन सकता हूं मैं किसी एकेडमी में, वो आप तीन चार जो है वो बता दीजिए और उसके क्राइटेरियाज क्या है। अगर इफ एनी केस अगर आपका 10+2 एंट्री के अंदर सिलेक्शन नहीं हो पाता आर्मी के अंदर, तो आपके पास ग्रेजुएशन यानी कि आप ग्रेजुएट हो जाने के बाद आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस आपके लिए ओपन हो जाते हैं, सच एज CDS एंट्री, FCAT एंट्री, NCC स्पेशल एंट्री, TGC एंट्री फॉर इंजीनियर जो जो मतलब ग्रेजुएट होते हैं यानी कि BTech ग्रेजुएट जो होते हाँ हैं उन वो भी डायरेक्ट एंट्री के लिए अपेयर हो सकते या आई हैं। थिंक नेवी में डायरेक्ट एंट्री होता है इंजीनियर्स का। हाँ तो ओके नेवी में भी होता है डायरेक्ट हाँ एंट्री और कोस्ट गार्ड के अंदर भी डायरेक्ट एंट्री होता ओके है। ओके तो लेकिन आप इसके लिए सब कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करे जाते हैं, जैसे NDA के अंदर एग्जाम होता है, जैसे CDS के लिए, FCAT के लिए ठीक स्पेसिफिक है एग्जाम है, लेकिन FCAT जो है बेसिकली आपके FCAT यानी कि एयरफोर्स के ही बेसिस पर यानी कि एयरफोर्स ठीक के अंदर ही है सिलेक्शन देते हैं, लेकिन CDS जो है वो आपको परमानेंट मतलब PC कमीशन देती है जो कि FCAT के अंदर जो एयरफोर्स में भी, आर्मी में भी, नेवी में भी, तो आप और इंडियन आर्मी में मतलब तीनों में आपको PC का मौका और जो मिलता है। CDS के थ्रू हम जाते हैं तो इसमें परमानेंट तो हमें IA में ही देता है ना, OTA तो हाँ नहीं देता OTA है नहीं देता। ना। OTA तो आई थिंक 12 साल का है ओ ओके टी ए जो है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC देता है जो कि या 12 साल+2 +2 यानी14 कि 14, या और जो कि अगर आप 14 ईयर्स के बाद आपका प्रोबेशन पीरियड था उसके अंदर आपने अच्छा परफॉर्म कर रहा है या हाँ आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है पास्ट ईयर का, तो हाँ देन आफ्टर यू आल्सो बिकम अ परमानेंट कमीशन, ओके वो गेट अ आपको मिल परमानेंट सकता कमीशन आफ्टर 14 ईयर्स। तो कहीं ना कहीं 14 साल बाद अगर आप चाहें तो OTA में आपके परफॉर्मेंस एंड बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, वो अंदर की बातें खैर अंदर की बातें अंदर ही जाने। सो हम सीधा ये जान समझ सकते हैं कि आपके पास दो तीन ऑप्शंस OTA से भी, आप OTA से IMA जाएंगे अगर ये आपके पीछे जो दिख रहा है आपकी IMA का चित्र है। IMA यानी इंडियन मिलिट्री अकेडमी जो कि देहरादून में है, OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी जो है एक गया में है, और दूसरा आपको मिलता है वो आपका चेन्नई में है। तो अगर हम बात करें OTA की तो जो OTA है उसका बहुत सिंपल सा, आपको मैथमेटिक्स अगर आपके पास नहीं है तो आप OTA जा सकते हैं, आप उसमें इंग्लिश और जनरल टेस्ट दो ही चीजें रहती हैं। और अगर आप IMA आना चाहते हैं तो देखिए आपको गणित से तो जूझना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब परमानेंट कमीशन अगर आर्मी में चाहिए तो आप NDA जाइए तो भी मैथ्स चाहिए, IMA आ रहे हैं तो भी मैथ्स चाहिए, FCAT जा रहे हैं तो भी मैथ्स चाहिए, अगर आप एक फ्लाइंग ऑफिसर बनना चाहते हैं ग्राउंड स्टाफ के लिए उसमें नहीं चाहिए होता है।
तो ये कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास। उसके अलावा इन्होंने बताया टीचर्स के लिए बीटेक एंट्री, उसके अलावा आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप टीचर बन सकते हैं, इसमें 27 तक एज होती है, हाँ जी है ना। तो आप अगर मास्टर्स आपने कर रखा है हिस्ट्री इंग्लिश लिटरेचर में कर रखा है तो डेफिनेटली आपको प्रायोरिटी मिलती है, आप जो अकेडमीज है उनको ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आपके पास चाइनीज लैंग्वेज से आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप एनडीए के अंदर भी टीचर बन सकते हैं। आपको पता होगा एनडीए के अंदर कई फॉरेन लैंग्वेज सिखाई जाती हैं ड्यूरिंग द अंडर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, और वहाँ पे आई थिंक 6 to 7 फॉरेन लैंग्वेजेस सिखाए जाते हैं जिसमें आपका अरेबिक एंड ये लैंग्वेजेस भी हैं, जितना मुझे नॉलेज है। वो वॉलंटरी रहता है, वॉलंटरी रहता है, लेकिन है आपको पढ़ना होता है बिकॉज एनिमी कंट्रीज है चाइना ऑलरेडी। सो यू कैन बिकम एन टीचर एट एनडीए, लाइक जेएनयू में बहुत सारे स्टूडेंट जो चाइनीज लैंग्वेज वगैरह पढ़ रहे हैं उनसे मैंने कई बार बात किया, तो उनका फाइनल एम यही है कि हमें फाइनली ज्वाइन करना है एज ए टीचर एनडीए, इसलिए हम चाइनीज पढ़ रहे हैं। तो लैंग्वेजेस के भी अलग अलग पर्पज हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम अगर आपने लैंग्वेज पढ़ा हुआ है तो कंपनियों में जॉब करने के अलावा भी आपके पास ऑप्शंस ओपन होते हैं आई थिंक। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास जो कि आप डिफेंस में जाके अपना फुलफिल कर। अब मान लीजिए मेरी एज 30 साल हो गई, 32 साल हो गई, बट मेरे अंदर कसक रहती काश मैं ऑफिसर बन जाता, आपको रास्ता है? हाँ, आपके पास एक और रास्ता है, उसका नाम है टीए, टेरिटोरियल आर्मी। अगर आप कहीं सर्विस करते हैं तो आपको एक छोटा सा रिटर्न देना पड़ता है, ज्यादा जो मुश्किल नहीं रहता, ज्यादा जनरल जीएस इंग्लिश और मैथमेटिक्स में पूछा जाता है, और देन आफ्टर आपको अपियर होना पड़ता है एसएसबी के लिए। तो आपको एसएसबी क्लियर करना है, एक रिटर्न क्लियर करना है छोटा सा, और आप टेरिटोरियल आर्मी का पार्ट बन सकते हैं। टेरिटोरियल आर्मी इसमें एक फेमस नाम जैसे सचिन पायलट रहे, धोनी जी है ना, धोनी साहब तो आई थिंक कश्मीर में कुछ टाइम बिता के भी आए हैं, हाँ जी, सेवा करके आए हैं। सो कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर, देखिए सैनिक बनना अपने आप में बड़ी बात होती है, अब आप टीए में बन जाइए एनडीए बन जाइए वो एक अलग बात है, लेकिन अपने आप में एक ऑफिसर बन के टीए में भी रहेंगे तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपको फेस करने पड़ते हैं, मतलब आपके अंदर सैनिक जिंदा कर दिया जाता है कि आप एक सोल्जर हैं और आप हमेशा के एक सोल्जर हैं। दूसरी चीज, जब हम इन सारी चीजों की बात करते हैं तो आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे जब मैं प्रिपरेशन करता, मैं अपने टाइम के बाद जब मैं प्रिपरेशन करता था एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा था जिस टाइम पे, एट दैट टाइम वन ऑफ माय सीनियर इट वाज फ्रॉम जोधपुर, उस इंसान ने आई थिंक 9 से 10 एसएसबी दिए कंटिन्यू, एनसीसी वाले भी दिए, सीडीएस दिया, एनडीए दिया, किसी में भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। फाइनली वो लास्ट में सिलेक्ट हो गया था सीडीएस में, आईएमएस गया था वो, अभी तो आई थिंक कैप्टन होगा। सो एक सवाल ये भी आता है मन में कि डिफेंस जब हम ज्वाइन करने का विचार अपने मन में लाते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अपोज करते हैं कि नहीं आप डिफेंस में नहीं जाएंगे बच्चों को, बहुत सारी चीजें हैं। मेरा सवाल हमेशा एक दिमाग में घूमता है कि जब देश सेवा की बात आती है और बात आती है ऑफिसर बनने की, तो आखिर एक सस्टेनेबल माइंडसेट रखना वो कैसे पॉसिबल हो पाता है इतने लंबे टाइम तक। भाई आप मान के चलिए 11th से मैंने सोचना चालू किया, मेरा एनडीए नहीं हुआ, मेरा एफकेट नहीं हो रहा, मेरा सीडीएस नहीं हो रहा, लेकिन मैं दिमाग में चला एनसीसी के थ्रू घुस रहा हूँ, इस इतने लंबे पीरियड में अपने आप का सस्टेनेबल पॉजिटिव माइंडसेट कैसे रखा जाए, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ तो 2 साल सिलेक्शन नहीं हो तो घर से निकलने की नौबत आ जाती है। तो जैसे एक एग्जाम्पल के साथ मैं इसको बताना चाहूँगा, सस्टेन रहना, सस्टेन मतलब यानी कि आपकी मोटिवेशन डाउन वीक है तो आप हार मान जाएंगे, अगर आपकी मोटिवेशन रिमेन सेम है उसको कैसे तो मोटिवेशन को मेंटेन करने के लिए आपको कंटिन्यू प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। माइंड कैसे प्रिपेयर करना, माइंड सवाल ये है, माइंड आपको प्रिपेयर करना है तो आपको एज अ एनसीसी आपने जैसे ज्वाइन कर रखी है तो आप अपना जो जज्बा है तो ज्वाइन यानी कि स्पेंड टाइम विद आर्मी तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपके अराउंड ऑफिसर्स घूम रहे हैं वो आपको एज अ काउंट करेंगे या फिर एज अ रिकॉल करेंगे, ओके चंद्रशेखर या फिर ओके मनदीप जी आपको ऑफिसर बनना है इंडियन आर्मी में, तो आप अपना सराउंडिंग अपना जो है वो चेंज कर सकते हैं। सराउंडिंग हमने चेंज किया माना, लेकिन शाम को तो घर ही पहुंचना है ना, शाम को घर पहुंचना, ओके यू कैन वॉच द पीओपीज, पीओपी देख सकते हो आप, मतलब पासिंग आउट परेड जो होती है ना, कि लाइक मैं अपना बताता हूँ, एट द टाइम व्हेन मैं प्रिपरेशन जब कर रहा था एंड हुआ क्या कि होता है कि एक टाइम के बाद पेरेंट्स सवाल पूछना स्टार्ट कर देते हैं और सबसे मुश्किल होता है उन्हें जवाब देना। एग्जैक्टली ठीक है, आप अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हो, अपने आप को समझा सकते हो कि लाइक मंदीप यू कैन डू इट, बट उस टाइम अपने माइंड को प्रिपेयर रखना, उतना मोटिवेट रखना इज वेरी डिफिकल्ट। सो उसको मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कैसे ऐसा, चलिए ऑफिसर्स के अलावा और क्या भी हो सकता है कि हम अपने माइंड को ऐसे स्ट्रांग रखें, भाई अपन को ऑफिसर बनना है। ओके
बहुत अच्छा सवाल पूछा है मनदीप आपने ने। 6 SSB हाँ देख लिए हाँ हैं, अभी तक सफलता पूरी तरह हासिल नहीं हुई, कॉन्फ्रेंसेस तक गए हैं और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, अभी तक अपना मोटिवेशन कैसे रखा? आपसे पूछ रहा हूँ मैं, चलिए एज एन ऑफिसर मैं अपना बात करना माइंड चाहूंगा। कैसा? एज अ ऑफिसर द माइंड शुड बी अ प्लान बी, हैविंग अ प्लान बी। तो एज आई हैव अ बींग एनसीसी कैडेट एंड आई वॉन्ट टू ज्वाइन आर्मी, तो आई हैव अ प्लान बी। ओके, तो ये नहीं होगा तो ये डेस्परेशन इज अ की ऑफ फेलियर आई थिंक। तो डेस्परेट इज अ चांस टू रिड्यूस द गेटिंग आउट। सो डेस्परेशन नहीं रखना कि इतना ही करना है, बी हम्बल रहना, और प्लान बी होगा तो दिमाग में और रिलैक्स रहता है कि ओके नहीं होगा तो ये हमारे पास नहीं, है। ये चीज़ तो अगर आपने एक फिल्म देखी हो छोरे, अगर देखी हो, नहीं देखी तो देख लीजिएगा, उसके अंदर सुशांत सिंह राजपूत ने अहम किरदार निभाया, तो उन्होंने कहा था, जिसे मैंने कोविड में अप्लाई किया और उसके बाद एग्जाम वर्ड की स्टार्टिंग हुई थी, और वो था कि पास होने के बाद, सक्सेस के बाद के प्लान सबके पास होते हैं, बट आफ्टर द फेलियर प्लान किसी के पास नहीं होते हैं। तो जब ये चीज आपके दिमाग में रहेगी, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मिलती रहेगी तुम्हें, अंदर से मन संतुष्ट रहेगा, सवाल कम आएंगे दिमाग में, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी रहेगी और घर वालों को जवाब भी दे पाएंगे। और ये जो थॉट था कि फेलियर के बाद प्लान नहीं होते हैं, तो इसी ने एग्जाम वर्ड को जन्म दिया था, सच्चाई ये है इस पूरी कहानी की। वो मूवी ने इतना बड़ा इफेक्ट किया, उसके एक डायलॉग ने इफेक्ट किया था दिमाग पे। मुझे लगता है कि प्रॉपर स्टार्टिंग जो इसकी है वो उसी के बाद हुई थी। लाइफ के अंदर कोई फिल्म क्या मोड़ लेके आती है ये कौन जानता है, ये तू जानता है कि मैं जानता हूँ। सो मैं आप सबसे यही कहूंगा, इफ यू वॉन्ट टू बी एन ऑफिसर देन आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, पॉजिटिव तो होना ही, स्ट्रांग भी आपको बहुत होना पड़ेगा। हम्बल इज द पार्ट ऑफ लाइफ, हम्बल होना एक अलग चीज है। अपने अंदर की ताकत, अपने अंदर के गुस्से को अपने सपनों पे लगाओ, क्योंकि सपने वो हैं जो तुम्हें जीने की ताकत देते हैं, तुम्हें जिंदगी को सुनहरा बनाने की हिम्मत देते हैं। और शेखर, हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में आपके मेंटरशिप में बहुत सारे स्टूडेंट ना केवल रिटन को लेके बल्कि SSBs को लेके काफी सारे इंफॉर्मेशन गेन करेंगे। शेखर विल हेल्प यू, और भी बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं जो कि जल्दी आपके सामने मिलेंगे। उसके अलावा आपको रूबरू कराते रहेंगे किसी ना किसी दिन, किसी ऑफिसर से, किसी पायलट से, इसी एग्जामवर्ड के इस प्लेटफॉर्म पे। एक कारवां चला है, कितना बड़ा बनेगा ये आप बताएंगे। बात रही एग्जाम्स की, मदद कैसे होगी ये हम बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते रहेंगे यूं ही चलते चलते। एपिसोड 2 आज था, पहले एपिसोड में हमने हिंदी पे बात की थी, आज हम बात करें CTS की, लेकिन ये प्लेटफॉर्म नया स्टार्ट होने जा रहा है, जुड़ना मत भूलिएगा, दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच शेखर, एंड अगेन आई वॉन्ट टू से विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड SSBs। थैंक यू मनदीप जी फॉर इन्वाइटिंग मी एट योर प्लेटफॉर्म। इसके माध्यम से मुझे लगता है कि काफ़ी सारे विद्यार्थियों को यू डिफेंस कैन पोस्टेज होगी। स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज आई थिंक यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स इन हिंदी, नो सो नो बिकॉज नो का समटाइम्स इफ यू फेस लाइक मैनी SSBs देन डेफिनेटली इन फ्रंट ऑफ कैमरा आपको हिंदी जब प्रोनाउंस करना होता है, प्रोनाउंस करना होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, लाइक होता है सबके साथ होता है, मेरे को यूट्यूब पे बोलते बोलते आदत हो चुकी है हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करने की, सो यू कैन, नो प्रॉब्लम। नो नो मेरे को ऐसी कोई इशू नहीं है, लेकिन बाय द वे, हाँ कैसा लगा ये सेशन कमेंट करके बताइएगा। हम आशा करते हैं कि आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी और बहुत बहुत कुछ जानने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत, सी यू सून। आपके ड्रीम जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एकेडमीज हैं, वहां पे और जुड़ जाइए एग्जामर्ड के साथ एक नया सफर तय करने के लिए। आपको सफर में साथ देने वाले मिल गए हैं, चुनना आपको है कि सफर का साथी किसे बनाना है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, एक नए थॉट के साथ और एक नए आइडिया के साथ। बने रहिए एग्जामवर्ड के साथ, चैनल पे नए हैं और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एग्जाम बट ऑफिशियल भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिल जाएं। CDS के फॉर्म आ चुके हैं, आप भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।